है किसके तखयुल का शहकार अवधनामा। अवधनामा सेलिब्रेटिंग जर्नी ऑफ 15 इयर्स। अखबार अवधनामा। आज जब मैं गूगल कर रही थी कि इंटरनेट पे कौन कौन उर्दू अखबार है, तो मैं आपको मुबारकबाद दूं। सबसे पहला नाम तो अवधनामा का ही था। अवधनामा में जो आता है वो मेरा ज्ञान वर्धन करने का काम आता है, मुझे प्रेरणा देने के लिए आता है। इस प्रकार का अवधनामा का जो चरित्र है सभी लोगों के लिए, सभी पत्रकारों के लिए अनुकरणीय है। और बेबाक अखबार अगर कोई कहला सकता है इस वक्त रोजनामों में, कि जहाँ कोई मुरव्वत ना वकार रिजवी का कलम करता है, ना उस अखबार का सहाबती इदारा करता है, जो सच बात होती है वही अखबार कहता है। रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा। इस रोजनामे से ये हमें ये पैगाम मिलता है, जिंदगी किस तरह बामकसद बनानी चाहिए। सिर्फ जबान का पैगाम, जबान उर्दू का पैगाम नहीं है, बल्कि अवध की तहजीब का पैगाम हो फैला रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर वो जो तहजीब की एक अपनी का एक इम्तियाजी शान रखती है, वो तहजीब इसके ज़रिए से फैल रही है कि यह अवधनामा हमेशा कायम रहे और अपने पैगाम को इसी तरह से जारी सारी रखे। हमको कई वकार रिजवी चाहिए, हमको कई अखबार ऐसे चाहिए हैं जो कि लोगों को जोड़े, जो कि मजहब व मिल्लत, जो कि जात पात इसका फ़र्क मिटा के सबसे कहें कि आओ हम अवध के हैं, आओ हम यूपी के हैं, आओ हम हिंदुस्तान के हैं। अखबार दो ही आदमी निकाल सकते हैं, या कारपोरेट हाउसेस जिनको दौलतमंद कहते हैं, और या दीवाना है? दीवानगी चाहिए निकालने के लिए, और वो दीवानगी हमारे वकार रिजवी साहब और तकदीस फातिमा में और उनके स्टाफ में थी, जो 15 साल सारी दुश्वारियों के बावजूद बाकायदगी से अवधनामा निकालते रहे। लखनऊ की पहचान चेहरों से है, शख्सियतों से है, टैलेंट से है, प्रोफेसर से है, डॉक्टर से है, इंजीनियर से है, शायरों से है, अदीबों से है, दानिश्वरों से है, खानकाहों से है, सूफियों से है, संतों से है, उलमा से है, पंडितों से है, ऋषियों से है, मुनियों से है, और उनको जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो अवधनामा ने किया है, वकार रिजवी ने किया है। हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा। अवधनामा ने महिलाओं को सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे, टीचर्स की गरिमा बाकी रखने के लिए टीचर्स डे, समाज को शिक्षित करने के लिए एजुकेशनल डे, ह्यूमन वैल्यूज को बरकरार रखने के लिए ह्यूमन राइट्स डे, और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए इंटरनेशनल लेबर्स डे को बिल्कुल नए अंदाज में मनाकर समाज को बेदार किया। अवधनामा ने उर्दू में पेज 3 का कॉन्सेप्ट लाने की शुरुआत की। यही नहीं, उर्दू जबान को फरोग देने के लिए जहाँ उर्दू में अनेक प्रोग्राम कराए, वहीं उर्दू वालों को न सिर्फ उनकी जिंदगी में बल्कि उनके जाने के बाद भी याद रखा। अगर अवधनामा को शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और फराह खान जैसे नामवर फिल्म स्टार ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए खुसूसी तौर पर बुलाया, तो अवधनामा की टीम कश्मीर में सैलाब से हुई तबाही में कश्मीरी आवाम के जख्मों पर मरहम रखने खुद ब खुद पहुंची। हर खत्ते उर्दू से हमको नजर आता है। अलीगढ़ से डॉक्टर रेशमा परवीन, अवधनामा एक ऐसी बज़्म दोस्ता है जिसका सानी कोई नहीं। बनारस से प्रोफेसर अजीज हैदर अजीज ने कहा, अवधनामा हम सब की नुमाइंदगी करने वाला अखबार। कश्मीर से मोहम्मद जमा आजुर्दा, अवधनामा समाज में अमन, बेदारी, इत्तेहाद, भाईचारा और यकजहती का नाम। हैदराबाद से प्रोफेसर मोहम्मद जफरुद्दीन, अवधनामा एक तहरीक। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से प्रोफेसर शहजाद अंजुम, अखबार पढ़ने वालों को बस अवधनामा का इंतजार रहता है। रिनाउंड न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर सैयद असद अब्बास ने कहा, अवधनामा उर्दू जबान को जिंदा रखने की एक तहरीक। बर्लिन जर्मनी से आरिफ नकवी साहब, अवधनामा उर्दू जबान व अदब का मुहाफिज। सैयद इकबाल रिजवी शारिब, कतर यूनिवर्सिटी, सुबह की चाय सिर्फ अवधनामा के साथ ही अच्छी लगती है। अमेरिका से रिजवान हुसैन साहब ने कहा, अवधनामा अमेरिका में भी बहुत मकबूल है, किसके तखय्युल का शहकार अवधनामा। हर दिल की तमन्ना है अखबार अवधनामा। हर खत्ते उर्दू से हमको नजर आता है।
دنیائے صحافت کا مینار عوض نامہ بیعت کا تقاضا بھی کتنا ہی کرے کوئی ہر وقت مجسم ہے انکار عوضنامہ آنکھوں سے تعصب کے ہٹ جائیں گے سب پردے پڑھ کر تو ذرا دیکھو ایک بار عوضنامہ اب ہوش کے ناخن لیں یہ اہل ستم ورنہ رکھتا ہے قلم مثل تلوار عوضنامہ نصار بھی کہتے ہیں نقاد بھی کہتے ہیں اس شہر نگاراں کا معیار عوضنامہ گھر بیٹھے ہی کرتے ہیں دنیا کا نظارہ ہم پڑھتے ہیں سویرے جب اخبار عوضنامہ شکریہ